राज्यपाल सरकार, ये बताओ प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? प्रजा खुशहाल है, आपकी जय जयकार कर रहे प्रभु। अगर सिरसागढ़ में मलखान के रहते हुए किसी प्रकार की कमी हो तो मुझसे बताना। ठीक है सरकार, गेट पर रहना मैं बैठा। ठीक है बैठिए। आइए गुरुदेव, आइए। प्रणाम गुरुदेव। सदा खुशहाल गुरुदेव। मैं क्या सेवा आपकी कर सकता हूँ? तशरीफ लाइए। ठीक है, मैं आपके सामने सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। क्यों महाराज? सिंहासन हम लोगों को कहाँ बताएं, हम लोग तो जंगल के रहने वाले हैं। बात तो ठीक है, अटकते रहते हैं। ये बेटा इंदल। चाचा, चाचा, इंदल। चाचा। बेटा इंदल। चाचा, ये साथ में कौन? ये चाचा है, चाचा जी। उदल भैया। बड़े भाई। उदल चाचा है। मैं तो ये सुना था कि मेरा भाई उदल इस दुनिया में है नहीं, लेकिन आज मेरे दिल के टुकड़े मेरे भाई एक बार गले से तो लग जाओ। भैया, भैया। भाई, भैया उदल। अरे मरवाया आल्हा ने तुमको, खबर जिस दिन से पाई है। मरवाया आल्हा ने तुमको, खबर जिस दिन से पाई है। न मैंने उस रोज से आल्हा का मुंह देखा भाई है। मेरे भाई, जिस दिन ये खबर मुझे मिली कि अब उदल इस दुनिया में नहीं है, उस दिन से मैंने आल्हा की शक्ल देखने में होवे नहीं गया। लेकिन मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात है। बोलो। कि देखे महाराजा अभिनंदन की पुत्री चित्रेखा ने जादू के बस में करके इंदल को गंगा घाट से उड़ा कर ले गई। आल्हा ने मुझे जिस तरीके से जल्लाद को सौंप दिया, जल्लाद ने मुझे ये माया प्रभु की है कि मुझे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जल्लाद ने छोड़ दिया और मैं नरवल पहुंचा। मकरंद और मैं जोगी का भेद बना करके इंदल को मैं वहां से छुड़ा कर लाया और ब्याह की मैंने कसम खाई है। ऐसा करो, तुम इंदल को ले जाकर आल्हा को सौंप करके और वहाँ से बारात सजा करके बलक बुखारे साथ में बेटे को लेके आना। मैं सब कसम खा कर आया हूँ कि इंदल की शादी चित्रेखा से कराऊंगा। ठीक है भैया, वैसे तो मैं महोबे जाने के लिए कसम खा चुका था, लेकिन अब आपकी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है। लेकिन नहीं चाचा, बगैर आपके मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे पापी सब बनाएंगे, मुझे हत्यारा बनाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा चाचा, नहीं जाऊंगा। देखिए मैं समझ रहा हूँ, अगर तुम्हें पापी हत्यारा बनाएंगे, नहीं विश्वास करेंगे, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। तो जब हो परिवार व्याकुल मेरी याद में, दिखा चिट्ठी अधीरज बधाना कुमारी, मेरे जिंदा ये रहे देखी ये खबर, सिर पे आल्हा से तुम ना बताना कुमारी। जाओ, जब ये तुम्हारी माता चाची दादी से सबसे बता देना कि उदल भी दुनिया में जिंदा है। ठीक है चाचा। अगर ना विश्वास पे तो चिट्ठी दिखाते, मेरी मोहर लगी हुई है। ठीक चाचा जी। और बारात लेकर के तुम चलना और मैं इसी भेष में बलक बुखारे मिलूंगा। जी चाचा जी। ठीक है भैया, तुम लेके जाओ। मैं जा रहा हूँ, सारी खबर सबसे बता दूंगा, लेकिन आल्हा भैया को ये खबर नहीं बताऊंगा। बस आल्हा से मत बताना कि उदल अभी दुनिया में जिंदा है। ठीक है, ले जाओ अंदर। चलो मेरे साथ, इसी वक्त हम महोबे चलेंगे। चलो राम जी दास, अब हमें तुम्हें चलना है इसी भेष में। जरूरी है ना, अब चलेंगे बलक बुखारे। आइए। चलिए, समय नहीं माना। क्या बताऊं भगवान, इंदल जब से गया मेरा देवर
हमेशा मुझे याद आता है कि, लेकिन कभी ये लगता है जैसे कि आइंदल भी गायब हो गया, मेरा देवर मुझसे जुदा हो गया। भाभी आराम करता हूँ। भाभी माँ, ये बेटा आइंदल। मुहलिया फेर क्यों माँ मुझे देख कर, मुहलिया फेर मुहलिया फेर क्यों माँ मुझे देख कर, कुछ तो बदलाओ माँ करे इनायत नजर, किस लिए इनकी भरे बहती जन निगरदार है, गोद में अपनी बिठा कर करती क्यों ना प्यार है, क्या खता मेरी पूछे इंदल कुमार, माँ मुझे देखकर मुंह फेर लिया, मुझे प्यार क्यों नहीं कर रही हो माँ, मैं पूछ रहा हूँ मेरी क्या गलती है माँ, क्या गलती है। कोख में जन्म लेता न मेरे गली, कोख में जन्म लेता न मेरे गली, फर होता बुढ़ापा नहीं इस कदरी, खा लिया देवर को मेरे तू बड़ा चंडाल माँ, तू मुझे कहता है ना तू मेरा लाल है, याद रे रे कुयात है उदल देवर, याद रे रे कुयात, चाचा उदल है ये जिंदा, सुनो जरा चितला के, वही तो जादूगरनी से लाए मुझे छुड़ा के, और ये लो चिट्ठी चचा की लगी है मोहर, माँ अभी चाचा जी जिंदा हैं, जादूगरनी से छुड़ाकर उसके फंदे से छुड़ाकर लाने वाले चाचा जी हैं माँ, देकर चिट्ठी देवर की तन में खुशी है छा गई, डूबती नैया मेरी तब किनारे आ गई, आ लगा लू गले से मैं तुझको, भाभी क्या है, मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा भाभी, क्या कि ये खबर बड़े भैया को नहीं बताना कि अभी उदल दुनिया में जीवित है। ठीक है नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन मेरा देवर है कहाँ इस समय, है मैं मिला दूंगा आपको। अभी चाचा जिंदा है माँ, इसके लिए फिक्र मत करो, लेकिन चाचा जी ने बोले हैं कि बेटा इंदल हमारे जीने की खबर सबको बता देना, लेकिन अपने पिताजी को नहीं बताना माँ। ठीक है नहीं बताऊंगी। अच्छा भाभी मैं बड़े भैया के पास लिवा कर जा रहा हूँ इंदल को। जाओ आओ जाओ। हाँ मैं बहुत बड़ी भूल किया हूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या किया हूँ, मामा माहले कहने से अपने भाई का खत करवा दिया, मैं ही सोच रहा हूँ, रात दिन नींद नहीं आती है, गम में डूबा हूँ, सब आना जाना बंद कर दिया, माहल भी बंद कर दिया, चचा तलंसी ढेबा मलखान, मैं इतना पापी हूं कि मेरा मुंह देखना पाप है, की सोच रहा हूं। बड़े भैया प्रणाम करता हूं। खुश रहो बिरन। आओ बेटे। कैसे आना हुआ? मैं बता रहा हूं, बैठिए आप। पिताजी प्रणाम करता हूं। मान कर बाप माहिल की धारा गजब, लीजिए अपना इंदल कुमार लीजिए,
ठहर है बशीशी में। ए भैया सुनो, ला के वो दल को इस वक्त मुझे दीजिए। भैया मलखान, अरे भैया मैं कहां से मैं दूं तुमको उदल बिरन। भैया उदल कहां अब है संसार में, बदले में भैया उदल के मलखान तुम ले लो तलवार, सर को एक कर दो ना। भैया अगर आपको सर कटाना है तो जाओ उस महल के पास, उस महल से अपना सर कटवाइए, मैं आपका सर नहीं काटने आया हूँ। भैया मलखान, उदल कहां है संसार में, उदल के तो महल कट करवा दिया। आपने माहिल के कहने से मेरे भाई उदल को जान से खत्म करवाया है, तो मुझे चाहिए तो उदल चाहिए। भैया मलखान, उदल कहाँ है, मामा माहिल की बात मान कर माने ऐसा कर। अगर उदल इस दुनिया में जीवित रही है तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। वो कौन सी बात है? मैं अभिनंदन के बेटी चित्ररेखा से छुड़ा कर बेटा इंदल को लाया हूँ, और ये वादा करके आया हूँ कि चित्ररेखा तेरे साथ बेटा इंदल की शादी करूंगा। तो आप जाइए और माहिल को लिवा लीजिए, बारात लेकर जाइए, शादी करके उस चित्ररेखा को लाइए। भैया मलखान, इसकी ताकत पर मैं इंदल की शादी करने बलक बुखारे जाऊंगा। ये तो माहिल से पूछो, वही बताएगा। उदल की ताकत से मेरी ताकत थी। जब उदल को दुनिया से खत्म कर दिए हो तो उदल कहां मिल सकता है? भैया मलखान, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हिंदल की शादी अवश्य होगी। मैं कैसे साथ दे सकता हूँ बड़े भाई, मैं भी उदल के गम में डूबा रहता हूँ। अगर नहीं चलोगे, नहीं साथ दोगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ठीक है बड़े भैया, जो हुआ सो हुआ, ठीक हुआ, लेकिन आप बारात की तैयारी कीजिए, बारात लेकर चलिए, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। बहुत हो बेटा इंदल। मलखान, बारात लेकर आइए, मैं भलक बुखारे में मिलूंगा, मैं चल रहा हूँ। प्रणाम भैया। खुश रहो बिरन, खुश रहो बेटा इंदल। पिताजी, तुम्हारे ही कारण तुम्हारे चचा का कत्ल हो गया। लेकिन पिताजी इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष है? माँ ने कहा अल्लाह तुम्हारे बेटे को उदल सरकार के गंगा में फेंक दिया। ये सब झूठ है पिताजी, सब झूठ है। इन बातों को छोड़ो, मलखान वादा करके आया है कि चित्ररेखा के साथ शादी इंदल की होगी। पिताजी आप चलो, तुम मेरे साथ बरात सजाओ और पलब गुहारी चलिए। जो मलखान ने वादा किया है उस वादा को मुझे पूरा करना है। आओ। पलक बुखारे के महाराज अभिनंदन पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। द्वारपाल सरकार, हमारी रिया का कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सरकार, रिया खुशहाल है, आपकी जय जय कार्य कर रहे प्रभु। अगर रिया को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। ठीक है राजन। कि बेटा छत्रपाल कहाँ है? महल में होंगे सरकार। बुलाओ छोटे कुंवर हंसमन। ठीक है सरकार, राजकुमार छत्रपाल दरबार में हाजिर हो। छोटे कुमार रहचामन दरबार में हाजिर हो। पिताजी के चरणों में छोटे बेटे का खुश रहो। बेटे पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटे पिताजी पढ़ाई ठीक चल रही है। ठीक है ना जी? हाँ। देखो बेटे, मैं हमेशा सोचा करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई समाप्त होने के बाद पहले बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद अपने दोनों बेटों की शादी करो। ठीक है पिताजी। और भाई साहब ठीक है? ठीक है। महाराज अभिनंदन दरबार में है? महाराज
अभिनंदन दरबार में बैठे हुए हैं। मुलाकात कराइए आप। चलिए, महाराज की जय हो। हम मोहब्बत से आए हैं, हमारा नाम रूपन बारी है। क्या काम है? हम सिंदूर सुपारी लेकर आए हैं। क्या कहा, तुम सिंदूर सुपारी लेके आए हो? जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? क्यों? अरे भाई, आदेश हुआ है, हम मोहब्बत रहने वाला, हमारा नाम रूपन बारी है, मैं सिंदूर सुपारी लेकर आया हूँ, इसको आप लोग संभालिए, लीजिए। जल्दी आवा थाम। अरे रुको, क्यों हल्ले? हम जल्दी, हम सबे रुकित नहीं, हम सबे तौगल मनाइए, मोहबिया है। रूपन बारी जी, ये तुम जानते हो कि मैं कहाँ आया हूँ? जानता हूँ, बलक बुखारे आया हूँ। तो यहाँ आए हो तो तमीज से बात करो, नहीं वरना काट कर। देखा था ना भाई, यह देखा, इसको रखो अंदर। अब मुझे नहीं पहचान रहा हूँ, मोहबे के रहने वाला हूँ। काट कर फेंक दूंगा हरान जाते। ऊंची आवाज न मत बोलिए आप लोग। ए, बस खबरदार। छत्रपाल बेटे, हराम जाते। एका हम सब नहीं दे रहे, चौबीसों घंटा हम लोग इस खेलते हैं। ठीक है, पहले से हूँ सफाई, आप लीजिए। फैलावा डाई। क्या फैलावा डाई? बेखूब नालायक है। हरामजादे, कितनी सुपारी लेकर आया है? डेढ़ पौआ। पूरा परिवार खा। अच्छा अच्छा, तो तुम सिंदूर सुपारी लेकर आए हो, लेकिन तुम्हें नेग में बताओ क्या चाहिए। नेग में? और क्या बारी? ये तुम नेग में क्या चाहते हो बोलो। 12 घंटा तलवारों की झनकार, मोहबिया वालों कहना है। अभी तो मैं रूपन बारी का ताव देख रहे हो। अच्छा, हमारे बड़े भैया आ जाएंगे, छोटे भैया आएंगे ना, 24 घंटा चलेगी। बे जाओ, देख लूंगा बे। अकन्ना नहीं, होश में जाओ। रूपन बारी हूँ, मोहबिया हूँ। हो बे, जहाँ खो गया तहाँ खो गया। ये दूत है। जी हाँ पिताजी, इसलिए इसके ऊपर अस्त्र उठाना ये कारों का काम है। अब मुझे इंतजार इस बात का है। क्या? सिंदूर सुपारी तो आ गई। हाँ, तो? लेकिन ये ब्याह करने के लिए भेज चुके हैं, और मैं ऐसे ब्याह होने नहीं दूंगा। तो पिताजी, इसलिए हम उस ब्याह का इंतजार करेंगे। ठीक है, हम उनके बारात आने का इंतजार करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कामयाबी हासिल हो मुन्ना। गुरुदेव, मैं प्रणाम करता हूं आप। सदा खुश रहो। गुरुदेव, ये आप बताइए कि आपका आगमन कहां से हो रहा है? हम लोग अयोध्यापुरी से आ रहे हैं और काशीपुरी को जा रहे हैं, और उसी नगर में पहुंचता हूं जहां पर आपके ऊपर 7.5 सेंचुरी लग गया है, तो मैंने सोचा महाराजा से मिलते हुए चलो। क्या कहा, 7.5 सेंचुरी लग गए हैं? आपके ऊपर बहुत बड़ी ग्रह है महाराज। लेकिन गुरुदेव, आप ये बताइए, इस ग्रह का कोई निवारण तो होगा? तुम चिंता मत करो, जब तक ये 7.5 सेंचुरी तुम्हारे ऊपर से नहीं उतरेगा, तब तक मैं इसी आपके बगीचे में रहेंगे, और हमें हर समय हर वक्त कोई न कोई तुम्हारे दरबार से खाने पीने की व्यवस्था लेकर जाएगा, तो पूरी खबर मुझसे मिलती रहेगी। कोई संकट आएगा तो मैं खुद आ जाऊंगा। ये बात मैं आपके मुखार बिंदु से सुनकर अति पसंद हूँ महाराज। तो रहने के लिए स्थान बताया जाए। छत्रपाल। पिताजी, जो धर्मशाला खाली है, वहीं पर गुरुदेव के रहने की उचित व्यवस्था कर दी जाए। महाराज, चलिए, हम आपके खाने पीने का प्रबंध, आपके बिस्तर का प्रबंध सब कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए। द्वारपाल, गुरुदेव ने जो बताया, उनके बताने पर मुझे अमल करना चाहिए। जी महाराज। और जब तक गुरुदेव हमारे इस नगर में हैं, तब तक मुझे किसी बात की चिंता नहीं। जी नहीं। महाराजा अभिनंदन की जय हो।
महाराज मैं मोहब्बे से आया हूँ बारात लेकर, और आप अपनी अगर खैरियत चाहते हैं तो चित्रेखा के साथ इंदर की शादी कर दो। मलखान जी, ये तुम्हारे मुखार बिंदु से शोभा नहीं देती बात। तो ये तुम नहीं जानते हो कि मेरा नाम महाराजा अभिनंदन सिंह है? ये तो खूब अच्छी तरह मालूम है महाराजा, लेकिन शादी करने आया हूँ और करके जाऊंगा, आप जो चाहते हो बोलो। शादी करने आए हो? जी हाँ। हाँ, आए हम बराती बारात लेके। रूपन बारी, तो आज जब तक इन तलवारों का जौहर नहीं देखेंगे आप, तब तक ये शादी नहीं हो सकती है। यानी आप तलवारों की जौहर देखना चाहते हैं? हाँ, ये इसकी जंग होगी। कोई बात नहीं, जंग में जीतेगा वही रेखा बेटी के साथ शादी करेगा। महाराजा अभिनंदन, और आपकी फौज में कोई है? अगर आपके बाजू में ताकत है तो हमारे भी बाजू में ताकत है। ये बात है। अगर हिम्मत है तो आ सामने, आ जा मैदान में। महाराज, क्या आप भी लड़ाई के मैदान में आना चाहते हैं? ये अभिनंदन जान दे देगा, मुझे मंजूर है, लेकिन जीते जी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तो कोई बात नहीं। यही साढ़े साथी सिंचर महाराज के ऊपर है जो कि आज बंधे हुए। और कौन बांधा? गुरुदेव। हम लोग ने बांधा। मैंने बांधा, हम लोग बांधे। ये कौन है? मैं। ये मेरा द्वारपाल है, रूपन बारी मोहबिया। अरे खोल दो हबिया मोहबिया। नहीं खुलेंगे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं खुलेगा? नहीं खुलेंगे। नहीं खुलेंगे तो ये खुलेंगे, ढोला काट डालूंगा। वो शराब दूंगा। हाँ, शराब दे, पिकल उंडिया ही जाए। गुरुदेव देखिए, अभी तो तुम बचे हो। मैं आपसे शरारत नहीं करूंगा, आप सीधे अपनी रास्ता जाइए। नहीं, हे बाबा, बाबा हाल जाए काशी में, अपन भजन भाव करा, यहाँ लड़ाई के मैदान आप लोग जरूर नहीं है। ऐ सुनिए मोहब्बे वाले, अब मेरे कहने छोड़ दिया जाए, नहीं तो देख रहे हो त्रिशूल है। बोल दिया। देख रहे हो इसको, नाप लो कितना है। महाराज, जब तक इस शरीर में जान रहेगा तब तक मैं इसे नहीं खोलूंगा। आपकी जो इच्छा हो आप भी कर सकते हो। ये बात है। हाँ महाराज, नहीं खुलेंगे। खुलेंगे, खुलेंगे। हम मोहब्बे वाले हैं, लड़के मरेंगे। डरेंगे नहीं, भागना नहीं, कहाँ जाएंगे? बाबा बबुल्ली बना के। बहुत दिन से बाही मोर्चो लाग गया है, मतलब मिलूगा हाथ। आइए फिर, आज फंसा मैदान में। राम जी दास, अब क्या रहेगा निकाल? कहने के बाद मतलब महाराज आप भी लड़ाई करना चाहते हो? भैया क्या है? इन्हें साधुगन तलवार ले। कोई बात नहीं, अभी तो तलवार देखो, अभी बम देखो, बम देखना भी। महाराज तैयार हो जाइए आप। नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। नहीं।
बड़े भैया मैं अभिनंदन के पूरे परिवार को आलस कर लिया तो क्या हुआ, लेकिन ये बाबा जी आए, बाबा जी से मैं प्रस्त हो गया। अरे ढोंगी जी हाँ, मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि जो कोई मुसीबत में रहे उनका तो मदद करना ये मेरा धर्म है। ये महोबा नगर है, मैं जानता हूँ बलक बुखारे महोबा वाले आए हैं, समझ रहा है। तुम अपनी जान क्यों गंवाने आए हो? मैं जितनी बातें कहूंगा महाराज तो खोल दिया जाए। महाराज अभिनंदन यही बने रहेंगे, बने रहेंगे। नहीं होगी। कोई माई कलाल पैदा नहीं है जो इनको रिहाई करवा दे। ए बाबा, ए साधु महात्मा, हमारे महोबा के बड़े भैया आल्हा मंडरी थे, इसे लड़ना तुम्हारा उचित नहीं है, तुम पे रास्ता नापो। माँ क्या देखते हो? हमारे बल्ला पर जा भैया, आग लगा करके नहीं जा रहे हो? जोगराज तो युद्ध करना चाहता है, अभिनंदन बधे रहेंगे। रण मैदान में आओ, होशियार हो जा जोगराज। तू भैया जिसके गम में सदा आप रहते दुखी, ना लड़ो इनसे मेरा कहीं मान लो, यही उदल लहुरवा है भाई तेरा, आंख खोलो जरा इनको पहचान। बड़े भैया आंख खोल कर पहचानो, वही उदल है जिसे आपने जल्लाद द्वारा मरवा दिया था। भैया उदल तो मैं क्या कर दिया छोटे मिलन, क्या मैं अनर्थ कर दिया, मामा माहिल के कहने से मैं बंटा डाल। मेरे भैया भैया मुदल बिरन, माफ सारी हमारी खता कीजिए, आके सीने से मेरे लग जाइए जलती ज्वाला को भैया। पापी सुती घाती खूनी हत्यारा हूं मैं, हृदय संग काये कसैया हूं मैं, बंश पे काली मां का लगैया हूं मैं, मेरे भैया नहीं तेरा भैया मैं। भैया उदल मुझे छोड़कर, भैया उदल मेरे गले लग जाओ, ये जलती हुई ज्वाला कतई नहीं, मैं हत्यारा हूं, मैं इंदल का हत्यारा हूँ, मैं इंदल की हत्या कर दल का संग का दवा, मैं पापी हूँ, मैं छूने लायक नहीं हूँ, और न तुम मेरे भाई हो और न मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सब माहिल मामा की करतूत है, कुछ नहीं चाहिए, नहीं मुझे छोड़कर कहीं जाओ। छोटे बिरन अगर मुझे छोड़ के जाते हो तो मैं अपना कड़ा काट दूंगा। छोटे बिरन मुझे माफ कर दो, तुमने जो कुछ किया मैं तुम्हारे सामने सर उठाने लायक नहीं बड़े भाई, और मैं अपने सामने अपने भाई का सर कट नहीं देखूंगा। भैया 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 महाराज अब आप चलिए, इंदल की शादी मैं करके आऊंगा। छोटे बिरन जाते जाते इतना सुन लीजिए कि मकरंद को महाराज की मेरी वचन हुई है, आप चलिए। महाराज हम तुम्हें रिहा करवा दे रहे हैं, लेकिन शर्त यह है तुम्हारे बेटे और तुमको रिहा होने के बाद अपनी बेटी चित्रलेखा का ये साथ भावर इंदल के साथ होनी चाहिए। तुम ही योगी और तुम ही उदल मुझे
सब कुछ मालूम हो गया है। तो खोल दिया जाए। ये बोले भैया। और महाराज अपनी बेटी को दूल्हन के रूप में हाजिर किया जाए। द्वारपाल जाओ बोल दो। रूपन दूल्हा बना के लाओ। अरे भैया बहुत जल्दी मैं उधर भैया बोल दो। भैया को दूल्हा पाक रूप में ले महाराज। महाराज अभिनंदन आप कन्या को बुलवाइए। ठीक है। हंसी खुशी दुल्हन की विदाई करो और हम लोग लेकर अपने वतन को जाएंगे। बापू बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। महके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बोलो सादा